कांग्रेस पार्टी का कुछ पहले दामन थामने वाले सेवानिवृत्त एसडीओ वेद प्रकाश बावलिया ने आज यहां बुलाए एक प्रेस वार्ता में बावल विस्क क्षेत्र से चुनाव लड़ने का संकेत दिया। उन्होंने 1996 में समता पार्टी की टिकट पर बावल विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ा था। अब उन्होंने पुनः सक्रिय राजनीति करने का संकेत किया। उनकी पत्नी सरताज बावलिया गांव नागल तेजू की सरपंच और जिला परिषद की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। सेवानिवृत्त एसडीओ वेद प्रकाश बावलिया ने कुछ दिन पहले हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल के मार्गदर्शन में भी उनको इनलो में काम करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि वे जनता की सेवा करने का मौका चाहते हैं। उनका प्रयास रहेगा कि पार्टी उनको टिकट दे और वे कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े। इस मौके पर राम सिंह नंबरदार नागल तेजू, सरपंच विजय शर्मा रघुनाथपुर, सरपंच अजीत चिरहाड़ा, सुंदर सिंह सरपंच नागल उगरा, कृष्ण कुमार बोलनी, अजीत लोधाना, रामनिवास सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर शिव प्रसाद बोलनी, नानक नागल तेजू चेयरमैन बावल, सुरेश लखेरा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बावल विधानसभा क्षेत्र से गांव नांगल तेजू का स्थाई सदस्य हूँ, निवासी हूँ, रहा हूँ, रह रहा हूँ। हाल ही 31/5/2024 को बिजली विभाग से एसडीओ के पद से रिटायर आया हूँ और अभी चार दिन पहले श्री प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। आप में से आधे बंधु तो मेरे से परिचित हैं, जो ना परिचित हैं उनके लिए मैं फिर बताना चाहूँगा कि मेरा शुरुआती जो कैरियर रहा है 1996 में मैंने खुद विधानसभा का चुनाव बावल क्षेत्र से लड़ा था। उस समय भी मैं सर्विस में था, त्याग पत्र देने के बावजूद लड़ा था, लेकिन मुझे जीत का मौका नहीं मिल पाया था। उस समय समता पार्टी होती थी, समता का चुनाव चिन्ह था, बाकी ताऊ देवीलाल जी के और ओम प्रकाश जी चौटाला जी के सानिध्य में लड़ा था 1996 में। तीसरे नंबर पर रहा था। उसके बाद मैंने लगातार मेहनत की, लेकिन जो 2000 के विधानसभा चुनाव हुए तो आधे साथी तो जानते भी हैं, वेद प्रकाश बावलिया पुराना नाम है मेरा। वो टिकट उस समय दिन के दिन इनेलो से जो मिलना था वो मुझे नहीं मिल पाया था। सडन अचानक किसी और व्यक्ति को किसी और वजह से चला गया, तो उस समय फिर मैं वंचित रह गया। तो मैं अपने दोबारा से फिर मैंने अपना नौकरी ज्वाइन कर लिया था। अब उस फिर दोबारा से उस कार्यकाल को पूरा करके इसी बीच में एक घटनाक्रम में भूल गया। फिर 2004-2005 मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सरताज देवी वार्ड नंबर 13 से जिला पार्षद बनी। 2000-2004 परवीन चौधरी के साथ वो वाइस प्रेसिडेंट रही। उसके बाद 2010 से 2015 ग्राम पंचायत नांगल तेजू की सरपंच रही हैं और विभिन्न समय पे पार्टी में भी इनेलो में जेजेपी में भी समयानुसार प्रदेश में पद रहा है। अब हमने दोबारा से अपने उस समाज सेवा लगाओ जो भी उसमें दोबारा से पदार्पण करके हम आपके साथ या अपने लोगों के साथ मिलजुल कर फिर
काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने कांग्रेस के मंच को चुना है और जहाँ भी रहे हैं वहाँ कर्मठ कार्यकर्ता बन के रहे हैं और कर्मठता से ही प्रधान जी उदयभान जी के नेतृत्व में मिल के काम करेंगे, पार्टी को मजबूती देंगे। और जहाँ तक आने वाले चुनाव भी हैं, सिर्फ ही हैं, 2-3 महीने बाद हैं, तो उसमें ये भी अनुरोध रहेगा कि भाई हम अपने हलके के प्रतिनिधि हैं, हलके के वो हैं, उस हिसाब से हम अपना अधिकार मांगने का भी रखेंगे कि भी हमें पार्टी से ये बेसिक छोटी सी अर्ज आप लोगों के सामने थी जिसके लिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया था। अब अन्य कोई अगर ऐसा है जी, विचारधारा की बात है, पार्टियां पहले भी मान लो जिस पार्टी में मैं रहा हूँ, जिनके साथ मैंने काम किया, उनकी सोच भी धरातल के साथ जुड़ी हुई थी, आम जनमानस के साथ जुड़ी हुई थी, तो मैं उनके को भी वो चाह रहा था। और आज जो देश में प्रदेश में जो चीज़ें देख रहे हैं, हम सभी महसूस भी कर रहे हैं, उन सबको देखते हुए मैंने कांग्रेस को ही आज उसका बेहतर विकल्प समझा। टिकट से पहले मैंने तो पार्टी को मजबूत करने की बात की है और मैं जहाँ भी रहा हूँ मैंने हमेशा पार्टी के हित में काम किया है। 35 साल कोई एक आज के टाइम में 35 साल तक कोई अपना जहाँ से जीवन शुरू किया है, मैंने अब दूसरी क्लास में हुआ हूँ। अमित जी रिकॉर्ड होगा मेरा, 1986 में मैंने न्याय युद्ध से ताऊ देवलाल जी को ज्वाइन किया था, 91 में वो सत्ता में आए नहीं थे, 96 आते आते उन्होंने खुद मुझे ही अवसर दिया, उसके 2000 में फिर मुझे अवसर नहीं मिला, तो भी मेरा मन या मेरी विचारधारा नहीं बदली कि मैं उन्हीं के साथ लगातार आज तक बना हुआ था पीछे। तो वही चीज़ पार्टी में टिकट एक होती है, एक को मिलेगी, लेकिन जिसको भी देंगे मजबूती के साथ काम करेंगे, सबके साथ मिलकर काम करेंगे, ना अपना कोई किसी प्रकार का किसी से इस बारे में कोई द्वेष नहीं होगा, अपने हक की बात करना कोई बुरी बात भी नहीं होगी। टिकट मिलना ना मिलना, देना ना देना, ये तो पार्टी हाईकमान के अधिकार क्षेत्र की बात है। बाकी जहाँ बावल में अक्सर आप लोग भी देखते हो कि चाहे कोई चंडीगढ़ बैठा है तो कोई नैनीताल बैठा है तो कोई भी जहाँ भी है तो भी चलो बावल, तो हमने ही शुरुआत की थी उस समय भी। B87 में हमारा एक उम्मीदवार आया था, वो बाई चांस नहीं बात बनी थी, रामेश्वर दयाल जी, चलो वो रिपीट हो गए 2009 में। आई वॉज द सेकेंड पर्सन जो 2002 से आज 24 साल बाद मैंने फिर दोबारा से मान लो अब खाली हूँ तो किसी न किसी रूप में अपने समाज की, अपने लोगों की, अपने क्षेत्र की सेवा करेंगे। वो भी दे, हमने सबसे पहले पार्टी को देखना है, हक मांगना कोई बुरी बात नहीं है, हक अपने हक की बात हम वो भी रखेंगे, करेंगे भी, कहेंगे भी, बताएंगे भी और लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी करेंगे कि भाई आप या हम बावल के हैं, बावल क्षेत्र हमारा है, बावल में हम सब लोग हैं, तो सबसे पहले हम अपने के बारे में सोचें, अपनी बात रखें। हमारी बात एक होगी कि हम स्थानीय व्यक्ति हैं, बावल हमारा कार्य क्षेत्र है, हमारी कर्म भूमि है, तो बजाय हम किसी के प्रति वो करें उससे मुझे कोई ज़्यादा सरोकार नहीं होगा। हम अपने तरीके से अपनी बात रखेंगे कि भी हम यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, स्थानीय वर्कर हैं, हमारी मातृभूमि है, तो हमारा शायद उनसे पहले कुछ ना कुछ हक बनता है। अभी देखो चुनाव में उतरने से पहले अभी तो मैं 15 दिन आज हुए हैं सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद मैंने पार्टी ज्वाइन की है और अब लोगों में जाऊंगा, डोर टू डोर भी जाने की कोशिश करूंगा और विलेज तो है ही बिफोर इलेक्शन,
और हर व्यक्ति को समझाने की, बताने की, जागरूक करने का प्रयास करूंगा कि भी हमने किस दिशा में आगे बढ़ना है। पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करूंगा। बीजेपी के जो उम्मीदवार रहे हैं उन्होंने विकास अगर किया होगा तो अपना किया होगा, बाकी क्षेत्र में तो मुझे कोई ऐसा कोई बड़ी बात जो हमारे स्थानीय विधायक ने, मंत्री जी ने कोई ऐसी मेरी उसमें नहीं है, क्योंकि